से डिब्रूगढ़ के अंदर नाइट मैच नहीं हुआ, डे नाइट मैच नहीं हुआ, तो सुनने में आया है कि 10 मार्च को। और ये शॉट काफी बढ़िया शॉट लगाते हुए, सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मिस्टर साहब ब्लॉग्स में। और मैं आपका अपना एमडी शाहिद, जो कि एक साधारण इंसान है। सो आज 4 मार्च है और 4 मार्च में आज आए हैं जालान आउटडोर स्टेडियम जो डिब्रूगढ़ में है, ठीक है। और यहाँ पे JKM ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज किया है क्रिकेट क्लब ऑफ डिब्रूगढ़ ने। और हमारे जो डिब्रूगढ़ का क्रिकेट एसोसिएशन है वो पहले से अभी काफ़ी सारा डेवलप हुआ है, काफ़ी चेंजेस हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैच भी चल रहा है, 2 टीम का मैच हो रहा है और लाइट का भी अभी ये सिस्टम लगाया हुआ, पहले नहीं था, राइट। और यहाँ पे हमारे डिब्रूगढ़ के जो किट ट्रॉफी वगैरह भी रखा हुआ है यहाँ पे सब। और यहाँ पे हमारे लोग भी आके क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग, ये जो ऑर्गेनाइज किया है क्रिकेट क्लब ऑफ डिब्रूगढ़ का है। और ये स्टेडियम जो है आपका वेन्यू जो है जालान आउटडोर स्टेडियम डिब्रूगढ़ में है, ठीक है। बढ़िया, एक रन लेते हुए, ओ बच गया, बाल बाल बच गया रन आउट होते होते। ओ शॉट 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 शॉट, 6 रनों के लिए गुड शॉट। जो 2-2 टीम आया हुआ है वो 2 टीम से भी मिलके बात करते हैं किसके किसके बीच मैच हो रहा है, राइट। सो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑडियंस और अपने टीम का सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। सो ये आपका फैलकोन क्रिकेट क्लब नामरूप का टीम है, ठीक है। और दूसरा टीम भी है वो उधर पे, तो आप लोग का भी फर्स्ट इनिंग चल रहा है अभी, है ना, सेकेंड इनिंग है। चेस टारगेट कितना का मिला आप लोग को? 130। ओके ओके, और 9 ओवर में आपका 40 रन हो चुका है। तो गाइस आप लोगों को एक स्पेशल प्लेयर से मिलाते हैं, जो असम रणजी की, असम में जो रणजी ट्रॉफी होता है उस हमारे असम की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। और वो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, राजगढ़ में रहते हैं। सो सुनील लचित से मिलाते हैं आप लोगों को। सो हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, ठीक है ना। सो अभी आप आए हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए, राइट। और आपका मैच कब है इधर में? आज 6 को है। 6 को है ना, 6 को है। और किसके साथ है आपका मैच? सो भाई जो है हमारे असम का रणजी खेलते हैं, ठीक है। और ये डिब्रूगढ़ के लिए काफ़ी अच्छा बात है, गौरव का बात है हमारे डिब्रूगढ़ के लिए, बिकॉज डिब्रूगढ़ से भी हमारे काफ़ी सारा लड़का आगे बढ़ रहा है और डेवलप भी हो रहा है हमारे डिब्रूगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन का। और भाई साहब आउट होके आते हुए पवेलियन में, भाई साहब आउट हो चुके हैं अभी, तो कोई बात नहीं, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, राइट। अब फील्ड का भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, पहले से जो डेवलप हुआ है काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ग्राउंड्स पे आके आज। और यहाँ का एक और डिब्रूगढ़ के लिए एक और हिस्ट्रिक डे होगा, बिकॉज यहाँ पे कभी भी लेदर बॉल से डिब्रूगढ़ के अंदर नाइट मैच नहीं हुआ, डे नाइट मैच नहीं हुआ, तो सुनने में आया है कि 10 मार्च को। और ये शॉट काफ़ी बढ़िया शॉट लगाते हुए, 4 रनों के लिए, इसी बीच चौका का मजा लेते हुए गुड शॉट। जो ब्लॉग करते करते यही होता है कि बात करते करते आपको बीच बीच में कुछ एक जो ऐसे ऐसा शॉट देखने को मिल जाता है कि मजा आ जाता है। ले चलते आप लोगों को स्कोर बोर्ड की तरफ, ठीक है, वहां पे देखते हैं क्या स्कोर हुआ है। और अभी ये सेकेंड इनिंग चल रहा है, रन चेस हो रहा है, तो जीतने के लिए और कितना रन चाहिए वो भी दिखलाते हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। यस, ऑर्गेनाइज एरिया और मिस्टर कार्तिक बैठे हुए हैं, सर भाल लें। गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे स्कोर बोर्ड है और जो टारगेट दिया हुआ है 130 का टारगेट दिया हुआ है जो डिब्रूगढ़ का ज्योति मॉडल टीम है। और जो रन चेस कर रहा है ना, ये आपका नामरूप का है, नामरूप का टीम है, नामरूप क्रिकेट क्लब का टीम है ये। और अभी 10 ओवर की समाप्ति पे 48 रन हुआ है, टोटल 3 विकेट लॉस हो चुका है। और जीत के लिए अभी जो नामरूप की टीम है उसको जीत के लिए 10 ओवर में यानी कि 60 गेंदों में 82 रन की आवश्यकता है, मतलब रिक्वायरमेंट जो है आपका 10 ओवर में 8.2 समथिंग का चाहिए, हर ओवर में 8 रन करके चाहिए।
ये 48 हो चुका है और चाहिए 130 का टारगेट है, तो 48 प्लस 2 50 प्लस 80 130, ठीक है। और 3 विकेट चल खो चुके हैं ऑलरेडी। सो मैच का आनंद लीजिए, अलग अलग एंगल से हम भी दिखाने का कोशिश करते हैं आप लोगों को भी। देख सकते हैं मौसम में गर्मी तो आज बहुत फाड़ के दिया हुआ है धूप, और इसी बीच डॉट बॉल ओ उठा के मारने की कोशिश और अपना विकेट गंवाते हुए काफ़ी सुंदर आसानी सा कैच पकड़ चुका है यहाँ पे। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये काम चल रहा है इधर का स्टेडियम का, जो आज पब्लिक का ऑडियंस का बैठने का जो बन रहा है, ठीक है, सीटिंग एरिया, सो इधर में भी ये काम चल रहा है, पहले नहीं था, अभी बन रहा है, तो काफ़ी डेवलप हो रहा है डिब्रूगढ़ का स्पोर्ट्स का, जो कि मेन जो है ना क्रिकेट, इस पर ज़्यादा डेवलप हो रहा है अभी, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, अच्छा से हम दिखलाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। पहले था क्या कि पहले सिर्फ ये जो दिख रहा है 3, 1, 2, 3 तो वही था पहले बैठने के लिए, अभी इधर भी बना रहा है और लाइट का भी जुगाड़ सिस्टम लगा हुआ है अभी, पहले लाइट का भी सिस्टम नहीं था, और चार पोस्ट लगा हुआ है लाइट का भी, और इधर में बिल्डिंग का भी ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है इधर से मार के शॉट, और फिर से एक डॉट बॉल रोलर, इस पर पिच का मरम्मत होता है, इसी से दो दो रोलर है, ये रोलर नहीं है, ये पिच रोलर है। लेकिन मोर चैनल है सर्च कर लबा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लबा मिस्टर साहब ब्लॉग्स। प्लेयर हमारा प्लेयर जी जिकिबो हमारा डिब्रूगढ़ ओवर के बाद, अभी फिर से 12 ओवर हो चुका है, 2 ओवर कंप्लीट, और 2 ओवर पे और 2 ओवर में सिर्फ 4 रन आया और 2 विकेट भी लॉस हुआ है, ठीक है। तो अभी 12 ओवर की समाप्ति पे टोटल जो स्कोर हुआ है 52 रन हुआ है, और भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, 78 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए, ठीक है, नामरूप का टीम को। सो गुड शॉट, नो बॉल, बार बार नो बॉल फेंका जा रहा है बॉलर की तरफ से, ठीक है, एक पहले भी फेंक चुका था, अभी भी फिर से एक दिया। और पब्लिक से भी बात करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन जीतेगा आज का मैच, है ना। सो भाई साहब क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा, बैटिंग जीतेगा ना फील्डिंग जीतेगा? अभी हमको मालूम नहीं है, हम खेल नहीं देखा है पूरा, खेल नहीं देखा। कार्तिक तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा, बैटिंग ना फील्डिंग? फील्डिंग टीम जीतेगा, फील्डिंग टीम जीतेगा, है ना, ठीक है। यहाँ का लोग का एक बात है, लेकिन जो ऑडियंस रहता है ना वो पहले से प्रेडिक्शन कर देते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, जादू 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 रहता है जादू। और पब्लिक यहाँ पे ऑडियंस आते हुए देख सकते हो, ऊपर पे भी बैठा हुआ है, और इधर में भी है काफ़ी सारा ऑडियंस है। सो वेट इस चीज़ का हो रहा है कि जब यहाँ पे नाइट मैच होगा ना, तो मैं तो खुद उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि नाइट मैच कब होगा। नाइट मैच सुनने को मिला है कि 10 तारीख को होगा, और आज 4 तारीख है, सो 10 तारीख को फिर से दिखलाएंगे आप लोगों को, बिकॉज उसके लिए तो हम खुद एक एक्साइटमेंट, मेरा खुद का एक्साइटमेंट लेवल है कि लेदर बॉल का जो फर्स्ट टाइम नाइट मैच होगा वो डिब्रूगढ़ स्टेडियम में, जालान आउटडोर स्टेडियम जो है डिब्रूगढ़ में, उसी में होगा, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं आसमान की ऊंचाइयों पे, ये देख सकते हैं जो एरिया है ना, ये जालान आउटडोर स्टेडियम का सबसे ऊंचा एरिया है, यहाँ पे सबसे मतलब हाई लेवल पे यहाँ पे ऑडियंस बैठता है, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे जो फ्यूचर ऑफ क्रिकेट का, जो डिब्रूगढ़ फ्यूचर का, हमारे बच्चे लोग जो है, ठीक है, आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हो, है ना, सीसीडी में हो या किस में हो आप लोग? डीसीसी में। चलो चलो ठीक है, आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो, देखो कि जैसे कि हमारे आप लोग पहचानते हो कि यहाँ पे मुख्तार हुसैन, पहचानते हो ना, वो मुख्तार हुसैन जो है कभी हम लोग साथ में खेलते थे, जो और डिब्रूगढ़ में जो था पहले डीसीसी, डिब्रूगढ़ सिटी क्रिकेट कोचिंग सेंटर, है ना, तो हम लोग पहले काफ़ी साथ में भी खेलते थे, और आज उसका गेम देखा, इतना अच्छा है, खेलता है तो वो भी अच्छे खेल रहा है, आसाम को रिप्रेजेंटेटिव भी कर रहा है कि नहीं। सो आप लोग को भी मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी जमकर मेहनत करना, ठीक है, क्या करना है, जमकर मेहनत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और फोकस हमेशा रखना अपने गोल पर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और इसी बीच अगली गेंद बॉलर लेके चलते हुए, और स्टेप आउट करके इधर मिड ऑफ पे 1 रनों के लिए। इसी बीच अगली गेंद फिर से, इस बार देखते हैं क्या होता है। ओ काफ़ी बढ़िया शॉट, फील्डिंग मिस, 1 रन चोरी करते हुए।
इसी बीच अगली गेंद और लगता है इस बार हिट करेंगे। ओ बढ़िया, फिर से एक रन। गाइस 15 ओवर की समाप्ति पे जो स्कोर है 72 हो चुका है और 5 ओवर में 58 रनों की ज़रूरत है नामरूप की टीम को। सो देखते हैं कि नामरूप की टीम आज ये 30 बॉल पे 58 रन कंप्लीट कर पाते या फिर या नहीं कर पाते, और लास्ट मोमेंट में भी दिखलाएंगे आप लोगों को। सो वेट करते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा और मैच देखिए आप लोग, यहाँ से आनंद लीजिए। ये जो यहाँ से जो शूट करके भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। यहाँ से पूरा ग्राउंड आपको क्लियर ही देख पा रहे कि पूरा ग्राउंड नज़र आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। सारे प्लेयर्स जो सर्कल में है, सर्कल के बाहर में सभी जो ऑडियंस वगैरह भी सब अपना अपना काम में लगा हुआ है, क्रिकेट देखने के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं अगली गेंद और ओ एक रन लेते हुए, ये बड़ा हिट कर ही नहीं रहा भाई। नेक्स्ट बॉल, इसी बीच अगली गेंद और मारने के प्रयास पर एक रन से संतुष्टि करने पड़ेगा बल्लेबाज को। ये कैच मिस, थोड़ा मिस नहीं हुआ, थोड़ा दूर पे गिरा बॉल। इसी बीच गाइस 17 ओवर का गेम समाप्त हो चुका है, ठीक है, और यहाँ से तो अभी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना पड़ेगा बैट्समैन को। और देख के तो लग नहीं रहा है मार रहा है, अभी देखिए नेक्स्ट बॉल और हिट किया और काफ़ी बढ़िया शॉट पर, उतना ही अच्छा शानदार फील्डिंग, 3 रन बचाते हुए अपने टीम को हवा में। ओ कैच मिस होते हुए। सो गाइस आज का जो विनिंग टीम है ज्योति मोरल संघा डिब्रूगढ़ का, ठीक है, और हमारे पंकज दा भी है को दोनों टीम से मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। सो जीतने के बाद हम मैच ख़त्म होने के बाद दोनों टीम एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं दोनों टीम, और विनिंग टीम भी है, दोनों टीम एक साथ में। बढ़िया, वेल प्लेड। सो गाइस और ये तो आज का मैच जो है फर्स्ट मैच भी हो चुका है, ठीक है, और फर्स्ट मैच डिब्रूगढ़ का टीम ने जीता, ज्योति मोरल संघा डिब्रूगढ़। और आज का मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है, देखते हैं मैन ऑफ द मैच आज किसको मिलता है। और आज का मैन ऑफ द मैच प्लेयर्स और मैन ऑफ द मैच आज का मिलता हुआ बोरिया बोरिया प्लेड। सो गाइस देखा आप लोगों ने आज का मैन ऑफ द मैच भी मिल चुका है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा खेला, जो बेहतर परफॉर्मेंस करता है तो उसको मैन ऑफ द मैच तो मिलता ही है, राइट, और प्लेयर्स लोग भी है, ठीक है। सो गाइस ये मेरा हो चुका है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट में आप लोगों को मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए और प्यार देते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को गाइस। थैंक यू, लव यू गाइस।